छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर में रोजगार सहायक सचिव व ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी कर दी है। आपको यहां बता दें कि यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड वाडफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवनी का है। यहां से रोजगार सहायक सचिव के ऊपर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। यहां आपको बता दें कि इस मामले में जांच उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा की गई, जिसमें यहां के रोजगार सहायक के द्वारा भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करना पाया गया है। जांच के पश्चात अभी तक इसमें संलिप्त कर्मचारियों के ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि कहा जा रहा है कि आरोपियों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत भवनी में इससे पहले भी आवास मित्र एवं रोजगार सहायक के ऊपर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी। उन पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं मीडिया टीम के द्वारा जब इसके बारे में वहां बीडीसी से रामदेव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी मिली है और हम इसमें संलिप्त रोजगार सहायक सचिव एवं आवास मित्र पर सख्त कार्यवाही कराएंगे। वहां के ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि हम इससे पहले भी इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिस पर जिला प्रशासन के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा पिताजी का नाम लाल बहादुर प्रजापति है। मेरे पिताजी रामचंद्र रोजगार सहायक के पास गए थे, वो गैस टैंक की गैस सिलेंडर के बारे में पूछने गए थे कि मतलब आया है कि नहीं आया है। हम लोग का सभी का आ गया था लेकिन मेरे पिताजी का नहीं आया था, तो उसके लिए मतलब गए थे उनके पास पूछने के लिए। फिर रोजगार सहायक मेरे पिताजी का अंगूठा लगा के मतलब बोल रहे थे कि चेक करवा रहे हैं, चेक कर रहा हूँ आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ऐसे करके फिर अंगूठा लगा करके फिर निकाल दिए। कितना पैसा निकाले? 3600 रुपया जी, 3600 रुपये निकाल के लेके चले। संबंध में मतलब वो करना है, वो मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। ठीक, बताइए उमेश लाल, आपका क्या हकीकत में आपको मजदूरी आपका हक मिल चुका है? मिला है, लेकिन 3000 रुपया मेरा अंगूठा लगा कर निकाल लिया रामचंद्र। वो बोला कि अंगूठा लगा दो, इसको बाहर भेजना है और सब कर सबकी घर घर जाकर उसको करना है मेरे को, तो मैं लगा दिया। लगाने के बाद 15-20 दिन के बाद गए पैसा निकालने, तो मैं पैसा नहीं है, 775 रुपया था। रोजगार साहब आपको ये झूठ बोल के निकाला या क्या बोला आपको? झूठ बोल कर निकाला है। क्या बोला? वो यही बोला कि इसको सब घर घर मेरे को करना है, आगे भेजना है, और आप लोग पाछे पर काम नहीं कर पाओगे खंती का, इसलिए इसको घर सब घर घर जा कर करना है मेरे को, तो अंगूठा लगा दो। हाँ, वो अपने डायरी से निकाला है खाता नंबर मेरा। हाँ, गया रामचंद्र ने कहेंगे बोला कि जियो टेक करना है, इंदिरा आवास मिलेगा, तो हम कहे ठीक है, अंगूठा लगवाया और पैसा खत्म था जी, पैसा निकाल। आपको पता था कि खंती का पैसा है? खंती का पैसा, और कुछ उसमें मोदी जी डाला था खाता में, तो भाई दो तो खाता था हमारे। मोदी जी का भी पैसा निकाल लिया? पैसा था खाता। क्या नाम है जो पैसा निकालना है? रामचंद्र। मैं राजेश कुमार हूँ बबनी से। मैं काम किया था अपने बाबा के यहाँ डबरी में, रामचंद्र रोजगार सचिव है, उनके पास मैं बोला था कि भाई पैसा डाल दो, इसके बाद वो पैसा नहीं डाला है। इसके बाद फिर आ जाए हैं साहब लोग, इसके बाद यहाँ भी कार्रवाई हो रहा है कि हम लोग बोल रहे थे। सर, आप पहले भी ग्राम पंचायत भवनी में आप रोजगार सहायक के विरुद्ध कई ऐसे हम जनता और मजदूरों का हक दिलाने के लिए आप आए थे, लेकिन अब अभी पुनः आप दोबारा आपके पास शिकायत गया, दोबारा आप आए हैं और पहले भी आ चुके हैं, आज तक अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और क्या ही नहीं हुआ? कब तक ये गरीब और मजदूर असहाय भटकते रहेंगे, उनका कब हक मिलेगा? एक बार आए थे हम लोग जाँच करने के लिए इस संबंध में, लेकिन पूरे लोग आ ही नहीं पाए थे, पूरे लोग का बयान नहीं हो पाया था। सर, आप जनपद वेद प्रकाश पांडे सर के आप मतलब सूचनार्थ में उनके दिशा निर्देश में आप जांच करने आए हैं, तो सर आश्वासन में आप कुछ तो देंगे पब्लिक को?
ये कार्रवाई कब तक होगी और उनका हक कब तक मिल जाएगा? तो वही मतलब जो शिकायत हुआ है उसके संबंध में हम लोग वो पब्लिकों से जैसे जिसको पैसा नहीं मिला है उसका सब वो कितना दिन काम किए हैं, कितना मिल गया है, कितना नहीं मिला है, वो सब जानकारी ले करके बयान ले करके हम लोग जाके अपने जनपद कार्यालय को देंगे। कितने मजदूर हैं सर जो कि आपके रिकॉर्ड में है और उनको अभी तक मजदूरी नहीं मिला? सर कितने मजदूर हैं जो है ऐसे कि जिसका अभी तक उनका हक नहीं मिला, उनका मजदूरी नहीं मिला? 49 मजदूर इसमें हैं जो शिकायत किया गया है जी। तो सर तो इनका हकीकत में आपको ऐसा लगता है कि मजदूरी किए हैं और इनका हक अभी तक नहीं मिला है? इसमें जो क्या कहते हैं अपना FTO जो बता रहा है अपना, उसमें जैसे हाजिरी जो भराया है ना उसके हिसाब से यहाँ जैसे मान लीजिए कि इसका उमेश पटेल उमेश लाल राम प्रसाद का है तो 41 गोदी इन्होंने खुदा है और इसमें बता रहा है 40 गोदी का पैसा निकल गया है जी। लेकिन हितग्राही के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मेरे को अंगूठा निशान लगा करके और कुछ पैसा मिला है और कुछ पैसा नहीं मिला है, इस टाइप से बताया जा रहा है। तो आपको सर ऐसे क्या लगता है कि रोजगार सहायक हकीकत में किया है या मजदूर झूठ बोल रहा है? नहीं, इसमें क्या है कि देखिए जैसे हितग्राही अंगूठा निशान लगा लिया है जी, है ना जी। तो अंगूठा निशान लगाने के बाद पैसा तो यही कहला रहा है कि हितग्राही के आहरण कर लिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.